है व्हाट्सअप पब्लिक, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर डी के जी। एंड जो मेरे चैनल पर नया, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना डी के। और मुझे बताना कि आज की वीडियो में मतलब आपको कौन सा जो लाइन था, जो टॉपिक था, जो आपको मज़ा आया, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भूलना नहीं डी के। सो आज सीधा बकवास मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। ठीक है, निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक है हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य इनके विधायक के चाचा इनके। वाह, किसी की भावना पहुंचती है तो आओ कभी कभी पर। इनमें चर्चे है मेरे, डीन से लेकर प्रोफेसर तक सब जानते हैं मुझे, आपको नहीं पता? नहीं पता तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मैं ना मैथ में डी, मुझे ना अपनी मैथ ठीक करनी, मुझे ना ट्यूशन चाहिए। तो ट्यूशन जाना भाई। अगर मैथ्स वीक है तो जब मैं क्लास में पढ़ाती तो ध्यान लगा के पढ़ा करो ना। अरे मैम पूरा ध्यान कैसे देगा, कपड़े पे ध्यान देगा इसका, देगा साला। बड़े हरामी है बेटे हमारे। बड़े हरामी है बेटे। फूल है गुलाब का। अरे यार ये तो भाई गजब है। आंखें तो दिख रही है। हाँ। सस्ते नशे करती हो या समस्या है गुलाब का? फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, आंखें तो दिख रही है। मुझे मालूम है आप लोग कहाँ देख रहे हो, मुझे पता है। फूल है गुलाब का, हाँ, नशा है शराब का, जूत जैसी शक्ल है तेरी, कितना लेगा ब्लो जॉब का। माँ बहन कर दी भाई बंदे ने। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, आंखें तो दिख रही है, क्या फायदा नकाब का। मेरी सेटिंग बहुत टायर भाई, बाप फिर से फिर से फिर से फिर से अबे बस कर। तेरी नजरों ने मुझको। अरे क्या कर रहा है, गला दबाएगा क्या मेरा? ए? क्या? सब कुछ दबा दूंगा। अबे पागल हो गया क्या? पूरी रात भर कर सकता हूँ। जाना है आंटी, आपके कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं बेटा। लेकिन क्यों? तो बस आंटी आप मुझे एक मौका दोगे, आपके दो बच्चे होंगे। टपो बेटा एक बात बता, तेरे पिछवाड़े में कितने छेद हैं? सिर्फ एक छेद है पापा। लेकिन क्यों? हाँ तो बेटी यहाँ से भाग जा, वरना तेरे पिछवाड़े में दो छेद कर दूंगा। आराम जादे, तुझे शर्म नहीं आती? अपने बाप क्या आइटम सब ऐसे बात करता है? अरे जानने दीजिए जेठा जी, ये आपका बेटा है, आपके ही गया है। अरे नहीं बबीता जी, ये साला आराम जाता, अपने बाप पे नहीं अपने बाप के बाप पे गया। वो साला थर के बुड्ढा ये सब इसको सिखाता है। अरे आराम जादे, बहुत ज्यादा मस्ती हो गई ना गांव में, साले उसी गांव में चाकू घुसेड़ दूंगा, निकालूंगा भी नहीं। Bye. Hey, y'all, come look at this. सिलेक्शन होने से पहले और सिलेक्शन होने के बाद इंसान वही रहता है, बस लोगों की सोच बदल जाती है। मतलब तुमने अगर बाल बड़े किए हुए सिलेक्शन हो गया तो कहेंगे अबे यार इतने मेहनत से पढ़ता था ना कि बाल कटाने का वक्त नहीं था। और अगर ये सिलेक्शन नहीं हुआ कहेंगे अबे बाल इतने बड़े रख के आज तक किसी का सिलेक्शन हुआ है कि जो इसका होता वहाँ तो खूब हीरोपंती हो रही थी। अगर तुम मोटे हो गए और सिलेक्शन हो गया कहेंगे भाई साहब इतनी मेहनत करता था ना, हिलता डुलता नहीं था वो, तब सिलेक्शन हुआ है। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ खा खा कर अपने बाप का पैसा भैंसा हो गया है साला, उसमें सिलेक्शन लेगा पहले खाने से तो फुर्सत मिल जाए। लड़की के साथ अगर घूम रहे हो गए और सिलेक्शन हो गया कहेंगे हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, तभी वो आज सक्सेसफुल हुआ है, तभी उसका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन नहीं हुआ वही लड़की हो जाएगी तुम्हारे लिए जान का जंजाल, कहेंगे साला लौंडिया बाजी कर रहा था खाली दिल्ली में, इसमें सिलेक्शन होगा। तुम मतलब अगर कुछ भी कर लो, सांस भी अगर जोर से ले रहे हो ना सिलेक्शन से पहले कहेंगे अबे सांस इतनी जोर जोर लेता था ताकि टाइम बच सके। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ कहेंगे साला सांसें लेने इतनी उसको फुर्सत मिलती थी। दुख खत्म नहीं होगा बे, खुद दुख है। ओह भाई बंदे ने मतलब पूरी माँ बहन कर दी एक लाइन में। ये कड़क है, ये कड़क है, रुको रुको वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाता हूँ।
मजा आएगा। ओके रहा नहीं जाता। How much follower you have on Instagram? 600. Okay. Give me your Instagram and now refresh again and again. Okay. And see the magic. अभी मजा आएगा ना भी। Your follower is like just like boom. Really? Really, guys, ऐसा करा देना सालो बेचारी। Okay. Okay. Thank you. Once later. Just refresh and see notification. What the heck? Show me your Instagram. पीछे वाले को देखो ना क्या कर रहा है। पूछ ना भाई, आप कौन सा गाना फूंक के पढ़ाते हैं? गजब, कहाँ से आते हैं वे? कितने शानदार विचार रखते हैं। Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody and lock 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes. Brain capacity using. ये कड़क था, ये कड़क था। आज कुछ मेरे लिए सुना दो। अच्छा तेरे लिए, कि जिन हसीनाओं ने तुझे देखा वो रात को सोई थी, और दिल की बात कहता हूँ उससे हैंडसम कोई नहीं। भैया मैं आपके लिए सुनाऊं? अरे सुना। आपको देख के दुख दिल का खत्म हो जाता सारा रे। आपको देख के दुख दिल का खत्म हो जाता सारा रे। और आपको क्या लगता है, आप स्मार्ट हो? मस्त जोक मारा, खत्म। मजा नहीं आया इतना। Hey, come look at this. कहते प्यार एक आग का दरिया और डूब के जाना है, पर इस दरिया में डूबने पे लौड़ा कुछ नहीं मिल पा रहा है। अगर तुम सिंगल और तुम्हें रिलेशनशिप में आना है तो भैया अपने लौड़ा तुम्हें खुद क्यों लगाना है? रिलेशनशिप अगर लंड है ना तो प्रॉब्लम गोटे हैं, हमेशा साथ में रहेंगे। यहाँ तक कि लड़कियों का हार्ट इमोजी उनका नहीं रह जाता है, उनका लाल वाला हार्ट इमोजी उनका बाबू का हो जाता है, उनका येलो वाला उनके बेस्ट फ्रेंड का हो जाता है, और जो बच्चे कुछ आटू झाटू उनके लिए बैग नहीं हो जाता है। हार्ट इमोजी का कुछ लेना देना नहीं है ना ऑनेस्टी से ना लॉयल्टी से, ये बस बाबू को उनकी इनसिक्योरिटी से बचाता है। और रिलेशनशिप में लड़ाई होती तो लोग खाना ही नहीं खाते, फिर उनका बाबू उनको कसम देता, तुम्हें मेरी कसम खाना खा लो। सुनो मेरी बात, तुम्हारा बाबू तुम्हारे यहाँ से पहले भी खाना अचकता था, तुम्हारे जाने के बाद भी खाना अचकेगा, तुम्हारे रहते हुए भी खाना अचक रहा है, ठीक है? खाने से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो बकचोदी कम करो। और रिलेशनशिप ना बड़ी सीरियस चीज होती है, अगर खेलना है तो क्रिकेट खेलो, ज्यादा हो गया, रात में अपने लौड़े के साथ खेलो, लेकिन किसी के दिल के साथ मत खेलो। हो सकता है कटने के बाद तुम्हें फर्क ना पड़े उस लड़की को, फर्क पड़े, हो सकता है उस लड़की को फर्क ना पड़े तुम्हें फर्क पड़े, हो सकता है आप दोनों को फर्क ना पड़े, आप दोनों अपनी माचुदा है, लेकिन अपने बाप के कॉलेज ट्यूशन स्कूल फीस पे आग ना लगाए। ये बात सच है, कमाने जाओगे तो गाड़ में दे जाएगा गट्ठा गोल, रिलेशनशिप में आएंगे भोसड़ी भाग समझ गया ना भाई, तुम्हें तुम्हारे सामान का वास्ता। प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूला, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।